अरविंद जी, ये जो आप नई स्ट्रेन है जिसकी वजह से इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने भी बताया और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जो इस बार का जो जो इतने सारे केसेस बढ़ने का जो सिलसिला है वो यंग लोगों में काफी ज्यादा है। 45 साल से कम उम्र के लोग काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट हो रहे हैं और स्प्रेड भी कर रहे हैं इस पूरे इसको। उसका क्या अब तक एनालिसिस है और क्या मोर्टैलिटी रेट जो है वो, क्योंकि अभी फिलहाल कम से कम दिल्ली में अभी कम है, ऑल्दो इन्फेक्शन रेट जो है वो 10% से ऊपर है, उसको लेकर अभी आपकी क्या तैयारी है? पिछली बार जब 11 नवंबर को 8,500 केस आए थे दिल्ली में, उन दिनों में मृत्यु का आंकड़ा डेली 125 के करीब डेथ डेली होने लग गई थी। वो अभी कंट्रोल में है। जैसे आज 10,732 केस आए हैं, लेकिन डेथ डेली अभी 40-45, 40-45, दैट मींस उससे एक तिहाई डेथ हैं। तो एक कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये वाली जो स्ट्रेन है ये फैल बहुत तेजी से रही है, लेकिन शायद उतनी घातक नहीं है, उतनी जानलेवा शायद नहीं है। नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो थोड़ी कम है, सीरियसनेस डिजीज की शायद थोड़ी कम है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अरविंद जी, आपने कुछ लॉकडाउन मेजर्स अनाउंस करे, नाइट लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन का भी उसमें जिक्र किया, हमने नाइट लॉक आपने जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू का जो आपने उसमें अभी बना, साथ ही साथ अब और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, शादी और बाकी फंक्शंस के ऊपर लिमिटेड आपने नंबर्स कर दिए हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि शुरुआत से ही आप कहते रहे थे कि लॉकडाउन कोई कोविड के लिए किसी तरह का कोई कोई दवाई नहीं है, उससे आप रोका नहीं जा सकता, तो क्यों आपको लगा जरूरी कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से बढ़ा दिए जाए? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता, लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। जितना लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, कम मिलेंगे जुलेंगे, कम इंटरेक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कभी ना कभी तो जिंदगी में लॉकडाउन खत्म होगा ना, जिंदगी भर तो लॉकडाउन केसेस है, जिंदगी चल नहीं सकती। जिस दिन आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, लोग वापस सड़क पे आएंगे, लोग वापस काम पे जाएंगे, फिर से कोरोना बढ़ जाएगा। तो लॉकडाउन कब इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा अपना यह मानना है कि जब आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो गई है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तब आपको लॉकडाउन लगा के अपने लिए यू बाय सम टाइम फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए थोड़ा सा और समय ले लीजिए, कोरोना स्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स थोड़े कम हो जाएंगे, ताकि अपने आप बेड और बढ़ा लें, ऑक्सीजन और खरीद लें, बीपैप मशीन्स और खरीद बाईपैप मशीन्स और खरीद लें। ये सारी जब तैयारी हो जाए फिर आप लॉकडाउन को वो। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े, ताकि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर सकें। लेकिन लॉकडाउन जो है कोरोना का समाधान नहीं है।